तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मेरा बेटा जो है मेरी मदद कर रहा है। ये कल शाम की क्लिप है, तो मैं मटर छील रही थी, वो आया और बोला कि मम्मा मुझे भी मटर छीलने हैं। तो मैंने उसको मटर जो है थोड़ा सा छील के उतार के दिए और वो दाने निकाल रहा था। आप लोग देख रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? मेरी मदद, हेल्प। ये मेरा बाबू बहुत काम करता है। हाँ। मम्मी की हेल्प करते हो आप? हाँ। करो सोना। छोड़ा मेरे बाबू, मेरे बाबू, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अच्छा जी, किसी दे दो मुझे। अरे वाह वाह वाह, ये वाला इसको ऐसे रखो। हो गया? और लो, अभी दिया, जी दिया। लो है। बस बाबू, अब मैं कर लूंगी, अब आप जाओ। और मदद करने दूं आपको? हाँ। आपके पेट में चूहे नहीं कूद रहे खाना खाने के लिए? हाँ। कूद रहे हैं? कहाँ कूद रहे हैं चूहे? पे। पेट में। हाँ। क्यों कूद रहे हैं? दे तो। अरे अरे ऐसे रोते। ऐसे कूद रहे हैं? हाँ। हाँ मुझे दिखाई दे रहे बेटे। ये बोल रहे हैं कि जल्दी खाना दो, है ना? चलो चलो ठीक है, चलो छीलो मटर। अच्छा ठीक है, बस बेटा आपकी तबीयत खराब हो रही है, अब आप जाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे थोड़े से भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अगर एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे अभी 2-4 सब्सक्राइबर बढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबको थैंक यू दिल से। तो अगर मेरी वीडियो कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। और क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, जो कि मेरी मम्मी ने बनाकर मुझको भेजी थी और मुझे उसे पकाना है। मतलब मेरी मम्मी ने बनाया था, वो कच्चा है, मुझे उसको पकाना है अच्छे से मसालों के साथ, तो तब वो खाने लायक बनेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो ये देखिए, ये जो है ये जवे हैं, मतलब ये जवे हैं जैसे सिवई मार्केट में आती हैं जिनको सिवई बोलते हैं, तो ये हाथ के बने हुए होते हैं और ये जवे हैं। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिखते हैं। तो ये हाथ से बनाए जाते हैं, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये इतने टेस्टी लगते हैं ना कि बाजार के तो फेल हैं इनके सामने। आज मैं यही बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से ये कैसे लगते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हैं जवे, इनको गांव में जवे बोलते हैं, वैसे इनको जो मार्केट में बोलते हैं उनको सिवई भी बोलते हैं, बट ये हाथ के बने हुए हैं और इनको हमारे यहाँ जवे बोलते हैं। आपके यहाँ का क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और तो ये मम्मी ने, मतलब ये जो मैदा होती है उसके बनाए जाते हैं और ये बना के सुखा के और मम्मी ने मुझको भून के दिए हैं, मतलब कढ़ाई में भूनते हैं तो भून के भी दिए हैं, तो मुझे भूनने की ज़रूरत नहीं है। रेड रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, भुने हुए हैं। बस मैं चल के अब इनको बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। देखा जमे,
तो ये मेरी मम्मी ने बनाए थे अपने हाथों से और बड़े प्यार से भेजे हैं मेरे लिए, और मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं। इनको आए हुए कब आए थे, काफ़ी टाइम हो गया इनको आए हुए। जब आए थे तो अभी तक मैंने एक भी बार नहीं बनाए। मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ मैं क्या बनाऊँ। मुझे ये दिखाई दिया, मैंने सोचा आज मैं जवे ही बनाऊँगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे लगते हैं गांव में, मतलब इस तरीके से बनाते हैं और खाते हैं। बिल्कुल भी मार्केट से नहीं खरीदते हैं, उनको पसंद ही नहीं आएंगे। अगर वो मार्केट के खरीद के खाएंगे तो उनको पसंद नहीं आएंगे। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। आटे के भी बनाए जाते हैं, जो घर में गेहूं का आटा होता है उसके भी ये जवे बनाए जाते हैं, पर ये मैदा वाले हैं। आटे वाले होते हैं तो वो और भी अच्छे होते हैं, वो और भी अच्छे होते हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये तो मैदा के हैं, ये भी अच्छे होते हैं, ये भुने हुए हैं, इनसे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, बहुत बकबक हो चुकी है। चलिए मिलती हूँ आपको किचन में। तो ये देखिए गाइस, कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ा दिया था, तो ऑयल हो चुका है गर्म। इसके अंदर डाल दिया है मैंने ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे और ज़ीरा जैसे चटक जाएगा उसमें प्याज और लहसुन डाल देंगे। इसको हमें पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा। इसमें मैंने एक दो कलियाँ लहसुन की डाली थी और एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो बस हमें इतना ही चाहिए प्याज, ऊपर ही पकना चाहिए। और अब डाल दिया मैंने इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ का टमाटर, इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। और इसके अंदर मटर भी डाले, तो ये थोड़े से मटर हैं ये भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अगर आपके पास और भी सब्जियां हों जैसे गाजर हों, बीन्स, शिमला मिर्च, वो भी आप डाल सकती है, बट मेरे पास कुछ नहीं है। आज मार्केट है, आज ही मैं लेके आऊँगी। तो अभी इनको अच्छे से पकने लेंगे, बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे हम इनको। और इसके अंदर डाल दूँगी मैं दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको भी हमें थोड़ा सा भूनना है हरी मिर्च को भी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं हमारे सारे ये मतलब ये मटर और टमाटर। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक और इनको अच्छे से कर लेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है, तो मैं तीखा ही बना लूँगी। आँच को थोड़ा मीडियम ही रखना है। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने। अब जो हम डालेंगे इसके अंदर पानी, पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारे जवे हैं वो पानी अच्छा खासा सोख लेते हैं, इसलिए अभी थोड़ा पानी और लगेगा। तो ये देखिए गाइस, इतना पानी इनफ है। और बस आप इसमें देख लीजिए आपका नमक वगैरह सब ठीक ठाक है। तो इसको अभी उबाल आने तक हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए गाइस, पानी में जो है उबाल आ चुका है और देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो अभी जो जवे मैंने निकाल के रखे थे उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए इतने जवे हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, इनको डाल देती हूँ इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में, अभी खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और अभी जो है मैं डाल दूंगी इसके अंदर धनिया पत्ता। धनिया पत्ता की खुशबू जो है सर्दियों में बहुत अच्छी आती है। अभी प्योर धनिया पत्ता आ रहा है तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। छोड़ देंगे पकने के लिए, ये 2 से 3 मिनट में बनके परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, हमारे जो जवे हैं वो बनने की स्टेज पे। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, और आप चाहे तो इनको पूरा, मतलब इनका जो ये पानी है पूरा सूखा के खा सकते हैं, बट मुझे जो है ये ऐसे ही पसंद है, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी वाला। तो मैं इनको इनको जो है ऐसे ही खाऊंगी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस। डियर आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से बनाओ, मार्केट में जो मिलते हैं आप उनको जो है इसी तरीके से बना सकते हैं, बट हाथ वाले जो होते हैं उनका तो जवाब ही नहीं होता। बट हर किसी को नहीं आता है, ये बनाना भी तो नहीं आता ना हर किसी को। हमने तो हमेशा से बनाए हैं तो हमें तो आता है। ये देखिए गाइस, मैंने निकाल लिया है और कितने यम्मी लग रहे हैं ना, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। वाह, तो मैं ले आई हूँ खाना। और आपको बाहर से अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ माइंड मत करना, बच्चे हैं और शायद कोई फ्रूट्स बेचने वाला भी बाहर आया है तो आपको आवाज़ आ सकती है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, आपका स्वागत है मेरे घर। तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी पता है आपको क्या टाइम हुआ है, 4:30 बज चुके हैं और अभी तक मैंने लंच नहीं किया है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या गाइस, हाँ थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाय, तो मैंने जो है मेरा खाना फिनिश कर लिया है और बहुत यम्मी, बहुत स्पाइसी बना था, जैसा मैंने चाहा था वैसा। तो मैंने खाना ख़त्म कर लिया, अब आप लोगों से बातें करने आ गई हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आप अपनी फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी करना। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ध्यान रखना, हमें याद रखना, और अपने परिवार वालों को खुश रखना, उनका ध्यान रखना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।